है यार। कहाँ जा रही हो? इनको जगाने? कोई जरूरत नहीं, सोने दो उनको। आप रुखसाना भाभी को अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कह दिया है आधे घंटे में पहुंच रही हैं। तो आज मैं भी देखता हूँ उनकी जिद चलती है या हमारी मर्जी। खबर ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, वो मुनासिब है जो वो कर रही है? क्या कर रही है? अपने बेटे और बहू को लेने आ रही है। ईशल ने उधर ही रहना है, वो चाहे अभी जाए या चंद घंटों के बाद। हमें उनके साथ अच्छे से रहना है ताकि हमारी बेटी भी वहां अच्छे से रहे। हम ये सोचकर ब्लैकमेल होते रहे कि हमारी बेटी उनके घर में है, उनकी हर ज्यादती सहते रहे, हर सख्ती बर्दाश्त करते रहे। खावर एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपने रुखसाना भाभी से झगड़ा मोल लिया, चाहे कोई और कहे ना कहे, सबसे पहले आपकी बेटी आपके साथ आके गिला करेगी। अगर रुखसाना भाभी नाराज है तो जुनेद नाराज है, और अगर जुनेद नाराज है इसका मतलब है ईशल नाराज है। मैं उनको जाके जगा रही हूं। अभी तो सोई थी मैं और अब उठा दिया। ताईजान इतनी सुबह क्यों आ रही है? और अगर इतनी सुबह ही लेने के लिए आना था हमें तो फिर भेजा ही क्यों? भेजती ना हमें। धनी क्या मसला है उनके साथ? ये कोई तरीका है? बिहेव योर सेल्फ ईशल। तुम किस तरीके से बात कर रही हो मेरी अम्मी के बारे में? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत कहा है मैंने? इतनी सुबह सुबह कौन किसी को लेने जाता है, और वो भी शादी के मौके पे? पहली बात तो ये है कि उन्हें कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो इस वक्त आ रही है, वरना उन्हें भी कोई शौक नहीं है इस घर में आने का। और दूसरी बात, आइंदा इस लहजे में मेरी अम्मी के बारे में बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? तुम मेरी अम्मी के बारे में जैसे मर्जी बात करो, और मैं तुम्हें यह भी ना बताऊं कि तुम गलत कर रही हो। I'm sorry, जुनेद। मैं सुबह सुबह उठ गई, पता नहीं क्या क्या कह दिया। I'm sorry। मैं आइंदा आऊंगी नहीं यहाँ पे। जुनेद,